तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी इंडियन यूजर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि जिनके पास रेडमी नोट 9 डिवाइस है तो क्या इन्हें मी वाई 12.5 या फिर मी वाई 13 का नेक्स्ट अपडेट मतलब देखने को मिलेगा या नहीं। तो गाइज यार, इस वीडियो में आप सबको यही बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मी वाई 12.5 से रिगार्डिंग कि यहाँ पर इस डिवाइस को नेक्स्ट अपडेट मिलेगा या नहीं। तो गाइज यार, इसे मी वाई 12.5 का नेक्स्ट अपडेट तो मिल ही रहा है, पर यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र का ये कहना है कि मीवा 13 का अपडेट कब मिलेगा। मीवा 13 का जो अपडेट है, हो सकता है कि इसे सेकंड बैच या थर्ड बैच में देखने को मिलेगा। मतलब मीवा 13 का अपडेट हो सकता है इस डिवाइस में आने में अभी टाइम है, क्योंकि अभी सबसे पहले लेटेस्ट स्मार्टफोन प्रीमियम स्मार्टफोन को मिलेगा, उसके बाद ही बजट सेगमेंट और मिड रेंज के स्मार्टफोन को अपडेट मिलेगा। तो गाइज यार, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, हम आप सभी को सबसे पहले अपने इस चैनल पर बताएंगे। तो दोस्तों, और बता देना चाहता हूँ कि मी वाई 12.5 से रिगार्डिंग इस डिवाइस के लिए तो ऑलरेडी अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर देखें, आपको वहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मी वाई 13 की रही बात, तो इसे अपडेट आने में भी टाइम है, तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून रहना और मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर और मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतने, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।